हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू होस्ट योर स्टैक क्वेरी लाइव सो गाइस अभी आपकी स्क्रीन में जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है आज मैं इसको आपको लाइव होस्ट करके बताऊंगा कि कैसे जो हमारे टेंस स्टैक क्वेरी की मदद से हमने जो ये वेबसाइट बनाई है इसको आप लाइव होस्ट कर सकते हो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक होगा बिल्कुल फ्री एंड देन सेकंड वन विल बी गाइस विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग सर्वर जहां पे आप इसको कैसे होस्ट कर सकते हो ठीक है सो गाइस फॉर फ्री वी विल गोइंग टू यूज अवर नेटलीफाई एंड देन पेड के लिए हम जाएंगे विथ होस्टिंग एंड मैं ऑलवेज आपको रिकमेंड करता हूँ गाइस अगर आप एक सॉफ्टवेयर uh, डेवलपर हो या अगर आप फ्रीलांस करते हो या अगर स्टार्टअप करना है या अगर आपको ऑनलाइन अपनी रीच बढ़ाए देन ऑलवेज गो विद द पेड सब क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलता है यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट अपनी मर्जी से जो आपको मानो आप कर सकते हो जब आप फ्री में जाओगे तो बहुत सारी लिमिटेशन होगी बट हाँ बस टाइम पास आपका काम हो जाएगा ठीक है ऑल अट गए तो फिर बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट नेटलीफाई फ्री में आप कैसे कर सकते हो ठीक है कुछ फिर लिमिटेशंस बताऊंगा जो आप होस्टिंग कर बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हो तो सबसे पहले तो कैसे आपको नेटलीफाई पे आ जाना है सिंपली लॉग कर लीजिए मैं आपको हजार बार मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका है राइट right? कुछ नहीं करना सिंपली सिम्पली लॉग इन करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा है ना तो यहाँ पे हुई आप मल्टीपल ऑप्शंस की आपको कैसे होस्ट करना है लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड न्यूज साइट तो जब आप इस पर क्लिक करोगे वी हैव टोटल थ्री ऑप्शंस इंपोर्ट स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और डिप्लॉय मेन्युअली ठीक है तो इम्पोर्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट तो अगर आप गिटअप के थ्रू कर रहे हो एंड गिटप पे अगर ऑलरेडी आपने उसको पूछ कर रखा है देन आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है गिठअप की मदद से गेट कर सकते हो बट आई मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि शायद आप इसे बहुतों के पास गिठअप ही ना हो ठीक है तो मैं क्या करूँ डेप्लॉय मैनुअली एंड हमारा ये जो वेबसाइट है इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है आप इसको चेकआउट कर सकते हो एंड बेस्ट पार्ट यह है कि आपको ये मेक श्योर sure करना है कि हमने क्वेरी में कितना कुछ सीखा था जैसे देखो इंडिविजुअल डेटा हम गेट कर सकते गो बैक डिलीट कर सकता हूँ मैं इस डेटा को गाइस अपडेट कर सकता हूँ हमने इसमें पेज देखे हमने इसमें इन्फिनिट स्क्रोलिंग देखा बहुत कुछ हमने देखा कि टेंस टैक् क्वेरी कितनी ईजी कर देता अब हमारी लाइफ को क्योंकि आप में से बहुतों को पेजिनेशन नेसन ये इन्फिनिट स्क्वेर स्क्वेरल बोलो इन्फिनिट स्क्रोलिंग एंड ऑल कितना मुश्किल लगा होगा बट मैंने यहाँ पे दिखा दिया सो so, इसलिए ये अभी तक प्लेलिस्ट लिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा रिएक्ट वर्जन 19 एंड एट द एंड में वी हैव दिस टेंस टेक क्वेरी ठीक है ऑल आइट आई नो बातें हो गई ज्यादा तो आपको क्या करना है देखो जब भी आप कोई भी रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हो मैंने हर बार आपसे एक चीज कहा है कि अगर जब आप उसको लाइव होस्ट करने जाओगे देन गाइस मेक श्योर करना है कि हमें उसको प्रोडक्शन रेडी करना पड़ता है ठीक है तो अभी ये जो कुछ है ये आपके डेवलपमेंट वर्जन के लिए डेट्स वो तो अगर आप नोटिस करना मैं अगर कभी रन भी करता था था हूं तो मैं क्या लिखता हूँ एनपीएम रन एंड देन डेब इट मीन्स डेवलपमेंट वर्जन बट नाउ आई नीड अ प्रोडक्शन वर्जन तो उसके लिए एनपीएम रन एंड देन वी नीड टू राइट बी यू आई एल डी बिल्ड ये ये जो आपको दिख रहा है गाइस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये कमांड आपको लिखना पड़ता है एनपीएम रन एंड देन बिल्ड ठीक है तो द मोमेंट तो आप ये कर दोगे तो आपका यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बनेगा पहले हमारा बिल्ड फोल्डर ही बनता था वेन वी यूज टू यूज आई यूज डैट क्रिएट रिएक्ट है बट अभी हम वीट के थ्रू करते हैं तो डेट सॉय आपका यहाँ पर अब एक डिस्ट फोल्डर बन जाएगा ओके okay, सो so पहली बात तो आप इसको क्लोज करो ठीक है एंड सेकेंड बात रही ये कि इसको अगर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सी डी मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है ठीक है सी डी ये हमारा फोल्डर है परफेक्ट तो बेसिकली इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन है तो फिर से अब वो एन पी एम रन एंड देन बिल्ड एंड एंड कर दो ठीक है तो नाउ ये आपका देखो बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन हो रहा है एंड दिस इज इट गाइस एंड सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस यहाँ पे आप देख लो एक फोल्डर बन के रेडी है एंड दैट इज योर डिस्ट फोल्डर दिस इज इट तो अब यही डिस्ट फोल्डर को आपको आपका होस्टिंग को एंड देन नेटलीफाई में आपको होस्ट करना है एंड एक और चीज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एंड दैट इज अगर आपको ये आइडिया नहीं कि ये मेरे किस फोल्डर पर बहुत बार होता है कि आप डेली एक न्यू न्यू रिएक्ट ऐप बना रहे and confused हो एंड आप कन्फ्यूज हो गए कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है तो है किधर तो गाइस एक्स प्लो रर एंड देन डॉट आपको एंटर करना है सो दिस इज द पाथ टॉप पर आप देख सकते हो जो मुझे होस्ट करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरी इस जगह पर ब्राउज टॉप तो लोड पर मैं क्लिक करूँगा एंड उस रूट तक मैं पहुँचता हूँ सो so, कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं उस रूट तक पहुँच चुका हूँ एंड हेयर वी हैव दिस डिस्ट फोल्डर तो मैं अब इसको सेलेक्ट करूंगा सो द मोमेंट मैंने डिससेलेक्ट की एंड देन एट द बॉटम पे वी हैव दिस ऑप्शन कॉल अपलोड है ना यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ठीक है आई नो आपको देख नहीं रहा बट थोड़ी देर में आपको दिखेगा ये देख लो गाइस इसी यहाँ पे अपलोड है ठीक है सो यह मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन अपलोड पे मेरा राइट क्लिक हो रहा है दिस इज इट सो बस इतना ही करना था आपको अपना रिएक्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को गाइस प्रोडक्शन वर्जन के लिए बिल्ड करना था एंड देन वंस इट्स डन डिस्क फोल्डर बनता है एंड वही डिस्क फोल्डर अब आपको जगह जगह पे होस्ट कर देना है तो सो द मोमेंट आप ये करते हो तो आपका ये जो वेबसाइट है देखो फैच यू आर एल आप फर्स्ट टाइम लोडिंग आएगा देन सेकेंड टाइम नेक्स्ट ये देखो इसके कितना औसम है ना लाइक वी हैव इन्फिनेट स्क्रोलिंग में आप थक जाओगे बट ये कभी खत्म नहीं होगा तो ये सब आई मीन ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लीज चेकआउट कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अब द थिंग इज जो मुझे नहीं पसंद डैट इज ये वाला पार्ट देखो ये क्या ही है इलेबरेट हाईफन बटर क्रीम हाईफन ए टू बी ये क्या कोई कोड बता रहा है क्या हमें एंड एट द एंड में देखो नेटलीफाई डॉट ऐप ये ऑलवेज आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अपना खुद का सर्वर यूज़ करते तो वहाँ पे आप लिख सकते थे रिएक्ट क्वेरी थापा टेक्निकल डॉट कॉम मतलब सुनने में भी पता चला कि अच्छा रिएक्ट क्वेरी बाई थापा टेक्निकल डॉट कॉम तो वो अपनी एक फीलिंग अलग होती है बट फ्री में आपको भाई इतना सब कुछ देगा तो फिर ये पेड़ वाले जाएंगे तो जाएंगे किधर फिर समझ रहे हो तो ये नहीं होता बट हाँ फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा बट बत कोई प्रॉब्लम नहीं गई आप साइड कॉन्फ़िगरेशन में जाके चाहो तो आप यहाँ पे चेंज साइट नेम अब इसको एटलीस्ट इतना तो भी रिएक्ट uh, क्वेरी इतना तो भी आप चेंज कर सकते हो मैं वन कर देता हूँ क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ तो आपका ये एटलीस्ट चेंज हो गया सो so, जो थोड़ी देर पहले कुछ उतना बड़ा था अभी आपका रिएक्ट क्वेरी वन डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप हो गया बट स्टिल वी हैव अ नेटलीफाई डॉट ऐप जिससे पता चल रहा है कि अपना खुद का तो है नहीं हमने कहीं पे फ्री में होस्ट करके रखा है तो आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस को रखते हैं और बंदे का तो अपना खुद का ब्रांड भी नहीं है तब गाइस आई हाईली रिकमेंड टू चेकआउट योर होस्टिंग यहाँ पे आप मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हो फ्री ईमेल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट अप टू हंड्रेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो एआई वेबसाइट बिल्डर मिलता है वर्डप्रेस मिलता है बहुत कुछ आपको यहाँ मिलता है तो हम क्यों पीछे रहे? And guys, पर और थापा कूपन कोड जहां पर guys, अगर आप करते हो थापा 7, then get extra 10 discount on existing discount. ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम वाली बात लिंक so में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा guys, इससे बेटर डील विथ ऑसम सर्विस आपको कहीं नहीं मिलने वाला आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो so right, तो आई एम ऑलवेज कीजिएगा ठीक है आप देख सकते हो कि मैं होस्टिंग पे ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ मेरे पास पांच छह वेबसाइट भरे पड़े हैं आई मीन होस्टिंग के अलग अलग वीपीएस मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा बट नॉर्मली आई मीन अगर आप रिएक्ट पे काम करें तो आप वेब होस्टिंग जो नॉर्मल है उस पर भी होस्ट कर सकते हो तो एंड uh, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कैसे बाई करना है कैसे वो जो आपका फ्री डोमेन को कैसे गाइस एक्सेस करना है फ्री ईमेल एसएसएल सर्टिफिकेट होस्ट कैसे करना है सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ ये प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट जो है ना आपका जरूर क्लियर होगा ठीक है एल्स मैं तो हूँ ही तो देखिए गाइस आपको अपने होम पे आना है कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको दिखने मिलने वाला है ठीक है तो यहाँ पे वी हैव दिस वेबसाइट लाइक ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस वेबसाइट आप देख ही सकते हो भैया तो इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके जितने भी वेबसाइट है सो so, कैसे आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है And मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स है मैं आ, मैं एस्टेमल लिखता हूँ खाली ठीक है मेरे पास एस्टेमल सेसेस भरे पड़े मुझे यहाँ पे गए डोमेन बाय करने की भी नेट नहीं मैं अगर कोई भी वेब होस्टिंग बाय करता हूँ तो मुझे फ्री में डोमेन मिलता है एंड एक बार अगर आपको एक भी फ्री डोमेन मिल गया आप मल्टीपल सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो हजारों एंड वहीं पर ही वेबसाइट होस्ट करके क्लाइंट को भेजो जिसको भेजना है भेजो तो वी हैव दिस एस्टेमल कोर्स डॉट ऑनलाइन तो मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ सो so मैं डैशबोर्ड पर चला गया वी हैव दिस फाइल मैनेजर आप ये समझ लो कि आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट जहाँ पे होस्ट है ठीक है आपके बेसिकली सिस्टम पे राइट right? आपके जो भी एस होगा फिलहाल मेरे जगह इस हार्ड ड्राइव पे है एस एस डी पे हार्ड ड्राइव क्या बोलना तो वैसे ही आपके सर्वर का मेन जो एस एस डी है या जो भी स्टोरेज है वो ये है बट फिलहाल आपको यहाँ पे देखना है वी हैव दिस डोमेन इस पर मैं क्लिक करूँगा देन वी हैव दिस पर्टिकुलर सब डोमेन इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आके आपको अपना सब डोमेन बनाना है मैं लिख देता हूँ रिएक्ट क्वेरी कस्टम बोलता हूँ एंड यही सेम मैं चाहता हूँ कि मेरे पब्लिक अंडरस्कोर एस्टेमल ये हमारा मेन रूट फोल्डर होता है हमारे एस का आपके स्टोरेज का ठीक है हार्ड ड्राइव कह लीजिए जो भी हो बेसिकली इनका एन है जो कि एकदम फास्ट है ठीक है तो इस तरीके से मैंने एक सब डोमेन बना लिया तो सब डोमेन बनाना भी इतना ज़्यादा ईजी है क्या बताऊँ मैं आपको तो आप देख सकते हो वो क्रिएट हो चुका है एंड एट दी बॉटम ओवर वी है वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर यू तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक है एंड मैं पेश कर देता हूँ तो फिलहाल आपको बाई डिफ़ॉल्टस्टिंगर uh, एक पेज देता है कुछ इस तरीके का अब हमें यहाँ पर अपना जो पेज है उसको ऐड करना है ठीक है सो so, मैं चलता हूँ ओवर आवर ओवर व्यू मैंने कौन सा डोमेन सेलेक्ट कर रखा है एस्टेमल कोर्स डॉट ऑनलाइन सो मैं जाऊँगा मेरे फाइल मैनेजर पे ठीक है so, सो मैं जा रहा हूँ मेरे फाइल मैनेजर पे यहाँ पे अब आप आपको सबसे पहले क्या देखने मिलेगा पब्लिक अंडरस्कोर html ठीक है तो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली वी कैन सी रिएक्ट क्वेरी ठीक है तो इस रिएक्ट क्वेरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड जो भी है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करो डेल प्रेस करके डिलीट कर दो एंड नाउ यू कैन सी एट ओवर एट द टॉप ओवर हियर कि एक अपलोड का बटन है ये तो इस पर क्लिक करो देन फोल्डर पे आप क्लिक कर दो तो ये वो रूट फोल्डर है जिसको मुझे अपलोड करना था तो मैं ऑलरेडी देखो रिएक्ट क्वेरी वी हैव दिस डिस्ट जो मेरा प्रोडक्शन वर्जन है आया एंड देन मैं अपलोड पर क्लिक कर दे रहा हूँ एंड देन अपलोड तो जैसे हमने नेटलीफाई में किया था कितना ईजी उससे भी कहीं ईजी आपको यहाँ पर मिल रहा लाइक like, जस्ट हो गया काम खत्म कुछ नहीं करना तो डिस्ट पे आप जाइए है ना कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए एंड आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव दिस मूव वाला बटन इस पर आपको क्लिक करना है बिकॉज आपका ये जितने भी मेन फाइल्स एंड देन फोल्डर है ये आपके रूट फोल्डर में होना चाहिए एंड दैट इज़ अवर रिएक्ट क्वेरी बट फिलहाल अभी रिएक्ट क्वेरी के अंदर वी हैव अ डिस्ट फोल्डर उसके अंदर ये है तो मैं मूव कर रहा हूँ देखो मैंने बेसिकली इसको सेलेक्ट की एंड मैं मूव पे क्लिक कर देता हूँ तो अब इससे क्या होगा कि मेरा जो रिएक्ट क्वेरी जो हमारा मेन फोल्डर है सब डोमेन उसके अंदर मुझे ये सारा डेटा चाहिए था ठीक है तो डिस्ट की मुझे कोई नीड नहीं मैं डेल पे क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ दिस इज इट तो मेरा काम खत्म बस यही है गाइस होस्टिंग और कुछ नहीं है अब जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था तो अब मैं क्लिक करता हूँ सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया देखो फैच ओल्ड एंड वी हैव दिस रिएक्ट रिएक्ट क्वेरी की मदद मतलब से कैसे फैच करना है अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ गो बैक मैं अपडेट कर सकता हूँ मैं इन्फिनिट स्क्रोल पे जा सकता हूँ जो कभी खत्म नहीं होगा एंड बाय द वे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी आपका लाइव होस्ट हो चुका है देखो रिएक्ट क्वेरी डॉट एस्टेमल कोर्स डॉट ऑनलाइन ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आप अपना खुद का सबब बाई करके अपना खुद के फ्री के डोमेन में चीज़ों को होस्ट कर पा रहे हो जो कि एक अलग फीलिंग देता है मजा ये ब्रांड का नाम बना ना एस्टेमल फिलहाल तो मैंने एस्टेमल कोर्स बाय करके रखा था अपने ज़माने में इसलिए पढ़ा एल्स में थापा टेक्निकल रिएक्ट क्वेरी डॉट थापा टेक्निकल डॉट कॉम क्या मजा आता है कि नहीं बट मैं अपना ऑफिसियल तो दिखा नहीं सकता अभी बट आप ही अपना ही डोमेन समझ लो आपका नाम डॉट कॉम जो भी हो या डॉट ऑनलाइन डॉट इन जैसा भी हो ठीक है so, सो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम सो गाइस वन सेकेंड मैं बताना चाहूँगा ये जमाना ऐसा है जितना आप दुनिया को अपना ब्रांड दिखाओगे उतना ही ज़्यादा आपका नाम होगा ठीक so है सो दैट्स वाई एक सब का होना मस्ट है हाई हाईली रिकमेंड टू गो विथ होस्टिंग मैं तो पिछले चार साल से यूज कर रहा हूँ कूपन कोड थापा सेवन बिल्कुल मत भूलेगा उसको यूज करने के लिए एंड बिलीव मी गाइस अभी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है तो मतलब मजा आ जाएगा आपको ठीक है सो कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में हूँ आपकी हेल्प करने के लिए होस्टिंगर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा जरूर चेकआउट कीजिएगा वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा जरूर चेकआउट कीजिएगा सो या गाइस दिस इज इट अब हमारा जो टेंस्ट है क्वेरी यहाँ पे खत्म होता है एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक like कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता मैं अब आपको कल की वीडियो में टिल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर